इस वक्त की बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे डॉक्टर फाउची के ईमेल, सबसे बड़ी खबर डॉक्टर फाउची के ईमेल से बहुत बड़ा खुलासा। डॉक्टर एंथनी फाउची लगातार चीनी वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। वॉशिंगटन पोस्ट में क्या गया, डॉक्टर एंथनी और चीन के महामारी विशेषज्ञ दोनों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया डॉक्टर फाउची ने बिल गेट से भी वैक्सीन को लेकर बातचीत की। वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया डॉक्टर फाउची, ध्यान दें, डॉक्टर फाउची और वहां के महामारी विशेषज्ञ के बीच बातचीत, कैसे यह संभव है? यह पूरी खबर जो है इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं सीधे मेरे सहयोगी, यहां पर मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद है। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए तुरंत। देखिए, जब से ये ईमेल प्रकाशित हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसके बाद से निश्चित तौर पर एक राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है अमेरिका में भी कि क्या अमेरिकी सरकार के जो प्रमुख सलाहकार हैं, राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर फाउची, उनका वुहान लैब से क्या कनेक्शन है। लेकिन निशांत, अगर आप थोड़ा सा पीछे होकर जाएं तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल भी अमेरिकी सरकार, या फिर कहें कि बहुत अमेरिका के बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट जो हैं वो समय समय पर वुहान लैब के में काम करने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना वायरस आया तब भी चीन की तरफ से ये एलिगेशन लगाए गए थे कि अमेरिकी साइंटिस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा। बहरहाल, ये सारा मामला तो इन्वेस्टिगेशन का है। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि अगर कहीं से भी अमेरिका या अमेरिका, मुझे एक बात बताइए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को बताइए तुरंत। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक डॉक्टर फाउची के जो ईमेल वुहान लैब के साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शंस होते थे वो सब प्रकाशित हुआ है, जिससे कि ये जोड़ने की कोशिश की गई है कि चीन के वुहान लैब और अमेरिका के टॉप मोस्ट वायरोलॉजिस्ट और प्रेसिडेंट बाइडेन के सलाहकार आपस में संपर्क में थे। अब ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर फाउची की बहुत सारी चीजें जो पहले से सार्वजनिक तौर पर कही जाती है उसमें कभी उन लोगों ने ये डिनाई नहीं किया कि हम उनके वुहान लैब के संपर्क में नहीं थे, या फिर वुहान लैब और हम अमेरिकी तमाम जो लैब है उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं होता था, मिलकर वो रिसर्च नहीं करते थे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, इसमें जो शक के सवाल है वो क्यों उठ रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए जरा बिग बॉल पर आइए। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको जरा प्ले ऑन करके ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या कहा है, प्ले करें। कोरोना के बारे में क्या डॉक्टर एंथनी फाउची सब जानते थे, प्ले करें इसको। नंबर वन, द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, सॉरी वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या कहा है, आई स्टैंड करेक्टेड। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को डॉक्टर फाउची के मार्च अप्रैल 2020 के 866 पन्ने के ईमेल हाथ लगे, होल्ड करें और राहुल इसको प्लीज बीच बीच में जूम इन भी करें। मार्च अप्रैल 2020, ये कौन साहब है मैं बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा ध्यान से, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत द वॉशिंगटन पोस्ट को मिले डॉक्टर फाउची के ईमेल, ड्यूरेशन देखें आप कब मिले ये। नेक्स्ट चेंज करें इसको, और ऐसा नहीं कि दो तीन पन्ने, 866 पन्ने। ईमेल से पता चला कि डॉक्टर फाउची चीन के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज गाउ के लगातार संपर्क में थे। दिखाएं जरा दोनों को फुल वॉल, ये हैं डॉक्टर जॉर्ज गाउ, ये इनके संपर्क में थे डॉक्टर फाउची कब, अप्रैल, मार्च और अप्रैल 2020 में। बहुत सारी चीजें प्ले ऑन करें। नेक्स्ट, यहां पर ईमेल से पता लगा कि चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज गाउ, डॉक्टर जॉर्ज गाउ कई बार डॉक्टर फाउची को गाइड कर रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फुल वॉल दिखाएं, ये बहुत बार डॉक्टर फाउची को मार्च अप्रैल में गाइड कर रहे थे। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बड़ा तेजी से, ईमेल पर डॉक्टर फाउची और डॉक्टर जॉर्ज के बीच में बेहद दोस्ताना अंदाज में बातचीत हो रही थी। नेक्स्ट चेंज करें, लेकिन एक बार भी कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर डॉक्टर फाउची ने चीनी एक्सपर्ट से नहीं पूछा, एक भी बार नहीं पूछा इन्होंने, क्यों, पता था इनको क्या पहले। नेक्स्ट चेंज करें इसको, डॉक्टर एंथनी फाउची को डॉक्टर जॉर्ज गाउ ने ईमेल में मास्क और ग्लव्स की जरूरत समझाई। नेक्स्ट, इन्होंने बताया कि मास्क और ग्लव जरूरी है। इस ईमेल के एक हफ्ते बाद ही डॉक्टर फाउची ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह देना शुरू कर दिया। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।